गोरखपुर जिले में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन करीब 250 से 300 संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जिले में 307 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जनपद में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,797 हो गई है, जिनमें से 1,203 मरीज इलाज कराकर घर जा चुके हैं, तो वही 3,796 मरीजों का होम आइसोलेशन इज ओवर हो गया है। 2,685 मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गोरखपुर जनपद में आज कोरोना संक्रमण ने 4 लोगों की जान ली है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई है। आज जो 307 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 143, ग्रामीण क्षेत्र में 134 व अन्य 30 मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें, शहरी क्षेत्र में जो 143, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 30, तिवारीपुर क्षेत्र में 12, रामगढ़ताल क्षेत्र में 4, गोरखनाथ क्षेत्र में 20, कैंट क्षेत्र में 19, गुलहरिया क्षेत्र में 12, राजघाट क्षेत्र में 2, कोतवाली क्षेत्र में 20, चिलुआताल क्षेत्र में 4 मरीज पाए गए हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को जो 134 नए संक्रमण के मामले सामने आए, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 16, ब्रह्मपुरा क्षेत्र में 1, गगहा क्षेत्र में 3, खोराबार क्षेत्र में 21, पिपरौली क्षेत्र में 5, उर्वा क्षेत्र में 2, बेलघाट क्षेत्र में 1, कैंपियरगंज क्षेत्र में 1, जंगल कौड़िया क्षेत्र में 4, पाली क्षेत्र में 3, सहजनवा क्षेत्र में 17, भठट क्षेत्र में 9, चरगावा क्षेत्र में 16, खजनी क्षेत्र में 3, पिपराई क्षेत्र में 18, सरदारनगर क्षेत्र में 14 सहित अन्य 30 मरीज पाए गए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिजनों की कोरोना की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही उन जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है।